हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश है और मैं आज आपको गूगल शीट के एक फंक्शन ट्रांसपोज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हम जानते हैं, ट्रांसपोज की डेफिनेशन, द ट्रांसपोज रॉ या कॉलम का होता है किसी भी रेंज या फिर किसी भी एरे में। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पर अपना एक कॉलम ले लिया है। हम इसको पहले ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद मैंने इसका रेंज ले लिया है एंड एंटर। तो देखिए, मेरा एक कॉलम था जो कि अब मेरे एक रॉ में चेंज हो चुका है ट्रांसपोज के बाद। अब मैं इसी ही रॉ को दोबारा ट्रांसपोज कर देता हूं। तो अब वो जो चेंज होगा वो होगा एक कॉलम में, ठीक है। तो ये तो हमारा रॉ चेंज हुआ कॉलम में एंड कॉलम चेंज हुआ रॉ में। अब हम एक रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए पहले मैंने अपनी एक रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, एंड मैंने एंटर किया। तो देखेंगे आप, जो मेरे हेडर्स थे, मतलब ये कॉलम हुआ, वो एक रॉ में आ चुकी है, देखिए। और वैसे ही मेरा ये वाला जो रॉ थी वो एक कॉलम में आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज में भी ये रॉ को कॉलम बना देता है और कॉलम को रो बना देता है, और इंडिविजुअली भी ये रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बना देता है। तो गूगल शीट का ट्रांसपोज फंक्शन अब आपको पता चली गया होगा, ठीक है।